मुकेश जी आज आए हैं आपके 3D लाइफ को विश करने, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरी वजह ये है आने की, क्योंकि मैं साउथ इंडिया में बहुत काम किया है और जब मुझे पता चला कि टीम पूरी साउथ इंडिया से आई है, इन्होंने वहाँ मलयालम और तेलुगु कन्नड़ फिल्में बनाई हैं और अब ये हिंदी में भी शुरू करना चाहते हैं, तो मुझे वो एक कनेक्शन जो है, मेरा साउथ कनेक्शन है, वो मुझे यहाँ आज लेके आया है। तो मैं, इन्होंने अभी कन्नड़ में ये फिल्म बनाई है और ये अब इसके बाद जब पूरी हो जाने के बाद, रिलीज़ के बाद, ये हिंदी में बहुत सारी फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी फिल्म का भी रीमेक करना चाह रहे हैं। तो मैं इनको और इनकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये खुशी की बात है कि साउथ इंडिया से भी लोग आ रहे हैं यहां पे और हिंदी फिल्मों में बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात, अच्छी बात है। तो मैं इन सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूं और ये यंग जो हैं, ये हमारे डायरेक्टर हैं, ये इन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है वहाँ कन्नड़ में और उसी फिल्म को फिर ये हिंदी में बनाएंगे, तो इनको और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बॉस, ऑल द वेरी बेस्ट। First time we are in the beginning, taking the first platform good. First all of us I thanks to Mukesh ji, because all of you know, because he's a very good actor, before the very long time he's doing the work the film industry. So because the very proud of him, because thanks God, because we want to guess he came very interesting. So because we need the first the beginning time, we need a good man, that's why that God he gave it to me. That's why, because all this almost finished the movie then from Kannada, so they're launching the Bollywood. This is the movie, the story is the first the movie name 3D Life. So the I cannot more explain, because the movie is very entertainment. So the three couples life, so that's why we have chose the name 3D Life. So the couples, they're teaching the ladies, so
the last time also they are fighting. This some horror movie also. So very entertaining movie. Thanks because the production house is also coming into Hindi films. What do you have to say? Sure, because we are planning to the remake in the Hindi. We are planning to the actors, the Hindi, the Bollywood actor and actress. Because we need 3 actors and 3 actress. So the Kannada movie is the over 3 couples. Also the new, the Hindi movie also we are doing the remake. That time we are planning to which actor or actress. So maybe tomorrow, maybe after 1 week, we are decide the actor or actress. So definitely we were inform them. बाकी आपको राजन मोदी साहब बताएंगे और ये मैडम है इन्होंने भी गाना लिखा है इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी हिंदी हा? में ये आ रहे हैं सॉरी जो फिल्म का हिंदी वर्जन होगा उसमें आप आएंगे मेरे बगैर थोड़ी फिल्म बना सकते और मैं इनको वापस केरला जाने नहीं दूंगा I know him because already the Malayalam movie I saw him because almost the movie is the fighter, the villain. Strong man. बाकी राजन साहब कुछ बताएंगे मुबारकबाद देंगे टीम को मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैंने भी साउथ की फिल्में की है इनके साथ कभी काम नहीं किया अभी हिंदी में आए तो शायद इनके साथ काम करने का मौका मिला तहे दिल से शुभकामनाएं हैं इन्होंने गाना लिखा इस फिल्म का आइटम सॉन्ग दिया थ्री लाइफ में एक आइटम सॉन्ग है जो लोगों के दिलों तक और मेरा नाम इशरत पठान है और मैंने इसमें 2 सॉन्ग लिखे हैं एक आइटम सॉन्ग लिखा है और एक टाइटल सॉन्ग 3D सॉन्ग सो ये एकदम 3 लड़कों की कहानी है जो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं इन्जॉय करते हैं और लाइफ में ट्रेजेडी है देखना ज़रूर काफ़ी अच्छी फिल्म है बहुत मेहनत की जा रही है ऋषि सर आपने इतनी बार नेगेटिव रोल प्ले किया है तो ये वाला नेगेटिव कितना अलग रहेगा और बाकी लोगों से और कितना इन्जॉय कर पाते हैं आपको अपने के लिए नकारात्मक भूमिका तो इन्जॉय कर पाते हैं आप इस फिल्म की बात कर रहे हैं नहीं अभी इस फिल्म के बारे में मैंने कुछ इनसे पूछा नहीं है कुछ ऐसी बात नहीं हुई है बाकी रेगुलर काम तो मैं कर ही रहे हैं तो फिल्में करते रहता हूँ मुझे क्या इस स्टेज में कुछ ना कुछ डिफरेंट चैलेंज दिखना चाहिए रेगुलर तो बहुत सारा काम किया हमने साउथ इंडिया में भी कर रहा हूँ लेकिन मेरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट हो किसी कहानी में एज एन एक्टर हमें ज़्यादा मौका मिले क्योंकि क्या है कि हम लोग गाने वाने तो गाते नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे रोल हमको मिलते नहीं हैं मैं चाहता हूँ कोशिश तो करनी चाहिए हम लोगों को वेट करना चाहिए जो मैं करता हूँ ताकि कुछ ऐसी डिफरेंट रोल करें जो मैं अभी कर रहा हूँ कुछ फिल्मों में ताकि कुछ ना कुछ हम भी डिफरेंट बता सकें तो ये कोशिश जारी रहेगी मेरी Hi, I'm Vishal. I'm basically from Bangalore. I've been a professional model since 5 years. Entire South, I have been worked a couple of good projects and I've done a couple of good serials. And this is my second project. First one is almost finished. It's under post-production. And this would be my second product. My project would be as a lead and looking forward for the same. Yep. Hello, everybody. ये मेरा पहला मूवी है एंड कनाडा में ऑलरेडी 2 मूवी कर चुकी हूँ एंड एक तो रिलीज़ हो चुका है एंड होपफुली इट विल बी गुड दिस इज़ माय फर्स्ट मूवी है एंड आप लोगों का ब्लेसिंग चाहिए एंड सपोर्ट एंड थैंक यू इट्स लाइक अ लव स्टोरी एंड आज का जनरेशन में क्या होता है लाइक लव में प्यार में कुछ ब्रेकअप होता है पैचअप होता है दिस इज काइंड ऑफ द सब्जेक्ट Yes, as you can see, it's a title of 3D life. So the moment when you see 3D life, यहाँ के जो स्टोरी है 3 डायमेंशन में होने वाला है तो जिसमें तीनों भी कपल्स ही होंगे मगर अलग अलग स्टोरीज अलग अलग में हो जाएंगे और ऊपर से तीनों स्टोरीज में यू विल सी लव लॉफ्टर पेन सोरोज यू नो एवरीथिंग बिट्रेयल एवरीथिंग मैं सबसे पहले ये 3D लाइफ जो कन्नड़ फिल्म है और इसको इसके प्रोड्यूसर इसके कलाकारों को सबको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ माई बेस्ट विशेज फॉर 3D लाइफ फिल्म इन कन्नड़ एंड आई वॉन्ट दिस फिल्म शुड ग्रो इन मासेज एंड पीपल एंड पब्लिक एट बॉक्स ऑफिस वेरी वेल दैट्स व्हाट माई विशेज आर फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन